पद्मावती फिल्म का विरोध निरंतर जारी है, इसके लिए राजपूत सभा खुलकर विरोध में उतरती जा रही है। इसी कड़ी में मंडी में भी राजपूत सभा ने विरोध प्रदर्शन किया। सभा के पदाधिकारियों ने सेरी मंच से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस रैली का नेतृत्व कर रहे राजपूत सभा के प्रदेश महामंत्री के एस जम्बाल ने मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर से दूसरे राज्यों की तर्ज पर इस फिल्म के खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की मांग की है। रैली को संबोधित करते हुए राजपूत सभा के महासचिव ने कहा कि पद्मावती फिल्म के विरोध में आज उन्होंने ज्ञापन दिया है और इस फिल्म को प्रदेश में प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म को प्रतिबंधित करने का राजपूत सभा ने जो बीड़ा उठाया है उसके लिए अभी तो हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर यदि सरकार ने हमारी मांग पर गौर नहीं फरमाया तो आने वाले दिनों में राजपूत सभा संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि राजपूत सभा पूजनीय रानी पद्मावती के नाम पर किए गए इस खिलवाड़ और इतिहास से की गई छेड़छाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में राजपूत सभा महासभा के माध्यम से इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की बात कही है और हम लोग सभी ने मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन देकर बताया है और सभी जगह हम लोगों ने मीटिंग्स करके इस फिल्म का भरपूर विरोध करने का बीड़ा उठाया हुआ है। हम लोग संघर्षरत करणी सेना और उनके नेताओं का सम्मान करते हैं और उनका संघर्ष में हम भरपूर समर्थन कर रहे हैं। हम लोग उनके संघर्ष में एक साथ जुटे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी फिल्म को जिसमें हमारी पूजनीय रानी पद्मावती के नाम पर और हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं भी लोग कहते हैं, मीडिया में भी कह रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं कि पहले पिक्चर देखी जाए, हम कह रहे हैं हमारा जो रानी का जो रानी की जो वेशभूषा है वो रानी पद्मावती की है, महल वही है, इतिहास वही है, हमारी रानी वही है। हम लोग कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको नाचते हुए दिखा नहीं देख ना तो देखेंगे ना किसी को देखने देंगे। हमारे इतिहास के साथ सरासर छेड़छाड़ हुई है और हम इस बात को कभी भी सहन नहीं करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अभी तो हम लोग शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत करा दिया है। हम आज विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश स्तरीय विज्ञापन आज चीफ मिनिस्टर महोदय के यहाँ, चीफ मिनिस्टर महोदय, गवर्नर हिमाचल प्रदेश और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, डीसी साहब के माध्यम से भेज रहे हैं। अगर फिर भी सरकारें इस बात को नहीं मानती हैं तो हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमने पिछले ही कल मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह किया है कि वो भी, राजपूत बाहुल्य हमारा प्रदेश है, वो हमारे राजपूतों के हमारे राजपूत समुदाय का सम्मान करें और इस फिल्म के विरोध में हमारा सहयोग दें। रैली के संदर्भ में जानकारी देते हुए राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह ने बताया कि रैली के उपरांत राजपूत सभा की ओर से उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के निर्देशक ने इस फिल्म को गलत तरीके से बनाया है जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस अवसर पर राजपूत सभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ धरने का है रानी पद्मावती के बारे में, क्योंकि रानी पद्मावती के चरित्र को संजय लीला भवानी ने फिल्म राती बार जो है उसको गलत तरीके से प्रदर्शित किया है। रानी ये कभी नाचती नहीं है लेकिन उनको नाचती हुई दिखाया गया है, जिसका करनी सेना जो हमारी राजस्थान की है राजपूत सभा की, उन्होंने घोर विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म को जो है दिखाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हमें भी मतलब बड़ा इसका हमारी भी इसमें एतराज है। वो इस वास्ते हमने भी इसको आज धरने के रूप में यहाँ अपना जो विरोध है प्रदर्शित कर रहे हैं और इसके बाद हम रैली भी निकालेंगे और उसके बाद जो है एक मांग पत्र जो है वो जो है डीसी साहब के माध्यम से
गवर्नर साहब को और प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। तो रानी पद्मावती एक जो रानी ऐसी थी कि उसने जब अलाउद्दीन खिलजी जो ने वहां लड़ाई की, उसके बाद उसने जब उनके पति का देहावसान हो गया तो उसने जो है 16,000 रानियों के साथ जो औरतों के साथ जो है आत्मदाह कर लिया, जोर कर लिया था। तो इस उस औरत ने औरतों के समान उसने अपने समान को बचाने के लिए ऐसा किया है। तो ये जो अभी फिल्म बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत दिखा।